जी बिल्कुल मरियम बीबी, आप मेरी बिल्कुल बेटियों की जगह है। और मैं समझता हूँ कश्मीर में आप अकेली नहीं है, मैंने आपकी सरपस्ती करनी है, चचा का रोल भी प्ले करना है। और दिलों के भी समोदम ये नवाज शरीफ, जिन्होंने हमारी तरबियत इतनी अच्छी की है, मैं बिल्कुल उनकी कमी आपको महसूस नहीं होने दूंगा। मैं बिल्कुल पहुंच रहा हूँ, बस ये मैं मरी में ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। ये ट्रैफिक देख रहा आपको आवाजें आ रही नहीं, परे हो, मेरा बच्चा रो रहा है। बलिए तेनु क्या विषय नु कार छड़ गया, मेरा खराब आपको मेरी आवाज आ रही है यार। गड्डी पीछे कार सानु काश पहन वाला हो गया। अड़ो 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 मरी में भी मेरा आवाज रही हो, जल्दी करो मुझे घर जाना है। ओ गड्डियां परे करो तोड़ दंगा। बस मैं अभी अब ये आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, जो ये ट्रैफिक क्लियर होती है। मैं तो ओ तेरे पैरों में मेहंदी लगी हुई है, तुझे पता नहीं है डेढ़ घंटे बाद मैंने तकरीर करनी है। ये देख, ये मैंने तकरीर रात में पकड़ी हुई है, उधर मुझे फोन आ रहे हैं। कोई रास्ता, पैदल रास्ता निकाल यार, जा। सर रस्ते सारे बंद ने, गवर्नर साहब आ रहे ने, मैं की करा, गड्डियां ते गड्डियां चढ़िया पई हैं। गवर्नर साहब को हटाओ, बताओ साहब बुलंदम बख्शान ने जाना है वहां पर कश्मीर तकरीर कर रहे हैं। जल्दी कर, ये देख किसी कॉल आ रही है, फिर मरियम बीबी कॉल आ रही है, मैं कितनी काले उनकी काटू। चुप 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 जी, हेलो जी, कौन है? मेरी गाड़ी का कौन बोल रहा था भी? मेरी गाड़ी लगी, मैं आपको कॉल करता हूँ। बंद हो गया, कितने जावा, सड़कां बंद ने सारियां। ओ यार उन्होंने मेरा क्या यार, जिन्नी रस्ते च ट्रैफिक है ना, हुण इहना कागजां ते पकौड़े रख के खाओगे। अच्छा सर, तुसीं इस तरह करो, तुसीं बैठो, मैं पता करके आना। जल्दी आना, तेरी जल्दी आना दे बच्चे। मैं जाकर देखो, तू मना जाना, ट्रैफिक खुल भी गई, तुम्हें देख के फिर बंद हो जानी है। बड़ो राउंड देख के बंद क्यों हो जाने, इन्हें के सिर ला के तली तरह रख के जाना। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा नवाज शरीफ को, जो मुड़ के बाहर इस तसली में बैठे हुए हैं कि वहां पर शायद खकानबाजी मौजूद है। मैं आप जाके पता कर रहा, तुम्हें इंज यकीन नहीं, मैं उठो दी फोटो ला के लिया। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जाओ। मैं जा रहा, मैं जा रहा, मैं वापस आ गए तो ठीक है, नहीं तो मेरे माँ प्यो का ख्याल रखी। क्या तेरी, मैं कह रहा हूँ सर, एक तो आप भी ईद के मौके पर ऑफिस बुला लेते हैं। तो क्या करूँ, किधर बुलाऊं? ओ भाई बीबी, आपकी ड्यूटी है हमारे साथ। लेकिन सर सोशल मीडिया तो घर बैठकर भी देखा जा सकता है। घर बैठकर भी पटर 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 बोले जाना है और फजूल बात करनी है, जो बात आपके करने के हैं वो नहीं करने, बाकी सारे काम। अच्छा मुझे एक बात बताएं, उसका क्या हुआ, वो जो ये बड़ा चल रहा था कि शहबाज शरीफ ने नैब वालों को ठीक जवाब नहीं दिए, इसका कोई जवाब दिया आपने सोशल मीडिया पे? जी सर, हमने ऐसे इमेजेस एडिट किए हैं कि उन इमेजेस में उन लोगों के मुंह में हवाई चप्पल ठोसाकर ऊपर लिख दिया हमारी तरफ से जवाब है। गुड गुड, अच्छा है। लेकिन हवाई चप्पल की जगह जो ना, थोड़ा सा आप वो बाथरूम वाले स्लीपर्स डाल देते ना, उससे जरा धबा अच्छा हो जाना था। अच्छा, और वो क्या हुआ, वो जो ये फैला रहे थे कि जी हमारे उम्मीदवार टूट टूट कर पीटीआई में जा रहे हैं, उसका कोई जवाब दिया? जी सर, ऐसे लोगों के खिलाफ हमने एक कैंपेन लॉन्च की है। अच्छा, और क्या? उन लोगों के टिंडे करवाकर उनके सर पर लोटे रख दिए हैं और लोटों के पैंदे ही गायब कर दिए हैं और ऊपर लिख दिया है लोटों का कोई मसीहा नहीं। लोटों को मसीहा नहीं, ये भी अच्छा। और नीचे लिख देते थे पैंदे ने नैना, पैंदे ने नैना तेरे संग रहना, कैंदे ने नैना। ये तो ऐसे ठीक है ना, आप समझ नहीं है। देखें शरारत के अंदर ना, आपने जहां जुमानी बात कर दी ना, नीचे बकवास भी करनी है। अगर बकवास नहीं होगी तो फिर तो कैश नहीं होगी। गुस्सा इस पे नहीं आता, मैं आपको फॉर एग्जांपल ये कह दूं ना, ओए टुट्टी साबरदानी ने मुंह वाली, कोई बात नहीं, वो तो आपकी रूटीन की बात है। लेकिन वहां बैठे हुए अगर चार लोग हंसेंगे ना, मैं कहूंगा ओ टुट्टी साबरदानी ने मुंह वाली है, वाह हा हा हा, ये जो हा 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 है ना, ये निस्तर की तरह चुभेगा आपको। अच्छा, तो ये इनका क्या हुआ है, वो जो कह रहे थे कि नून में से शीन निकलने वाली है, इसका कुछ जवाब दिया? जी सर, हमने नमक मंडी से निकम्मे शोर जो बीवी के हाथों से पिटते और गिरते पड़ते आ रहे थे, अच्छा। उस पे लिख दिया है नून में से शीन निकल रहे हैं, देख लें। अरे मतलब क्या है इसका? सर वो नमक मंडी से निकम्मे शोहर निकल रहे थे ना, हाँ। तो वो नून में से शीन निकल रहे थे, तो हमने कहा देख ले, हमने वीडियो बना दी। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी शीन फॉर शोहर और नून फॉर नमक। नमक पार्लियामेंट हाउस में बैठने वाले को भी समझानी चाहिए, यानी फवाद चौधरी भी उसको एंजॉय करे, मरियम औरंगजेब भी उसको एंजॉय करे, और नीचे उसको सिक्योरिटी गार्ड भी एंजॉय करे, सबको एंजॉय करना चाहिए। अच्छा, वो जो बड़ी बातें कर रहे थे कि इमरान खान चोरों को नहीं छोड़ेगा, एनआरओ नहीं देगा, उस सोशल मीडिया पे इसका कोई टिकावा था जवाब दिया है कि नहीं? जी सर बिल्कुल, हमने जेल में खाली चारपाई के नीचे एक बीमार मुड़कर बैठा दिखाया है और उस पर लिख दिया सोचा क्या मिला क्या। वेरी गुड,
बहुत बचे, यानी अब सिर्फ जेल के अंदर जो है वो बीमार मुर्गे ही बच गए जी, और कोई भी नहीं बचा। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बदमीजी है भाई, ये कौन है? ओ यार उड़ते पीछा चढ़ दो, क्या बदमीजी है यार, जा बाबा माफ कर माफ कर, जा माफ कर। मैनू पहचानो? पहचानो तू मोनालिसा है, तुझे पहचानो। मैं वही हूं जेड़ा तुम्हारी चाय में कभी नमक पा देता है कभी चीनी पा देता है। तू नसीरा ढाबे वाले का पुत्र है? ओ यार बड़ा ही खबीस आदमी है तेरा प्यो। खाकान साहब मैं वही हूं जिदी वजह ना तुसी रंग बिरंगी जराबा पा के जलसे च गए सो। अच्छा वो तू है 70 रुपए की जराबे मैंने ली उसे। अच्छा ये तू था उस वक्त, तेरी मुझे नहीं दी? हाय मैं वही हूं जिदी वजह ना ताडा कुर्ता टाइट सिल गया सी। कुत्ता टाइट सिल गया थी? लेकिन कोई बात नहीं, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया। इस वक्त मेरी 1.5 घंटे के बाद तकरीर है, फिर मिलना, फिर तुम्हारी मदद कर दूंगा। अभी नहीं है मेरे पास टूटे 100 रुपए। खातर फटर हो पछाण दिया मैं पछाण ले ले अद्धी रेट से वेचण वाले। तेन पछाण, तेन पछाण, तू मीनारे पाकिस्तान है, तेन पछाणा? ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਪਪਾ ਪਾ 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 कुछ ना बताए, आप इसे बुदर चुके हैं, आप जूता चेहरे पे ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोट आप पैरों में पहन चुके हैं, आप इधर अब रोना बंद ने बड़े मैं क्या रस्ता क्लियर करो। शाह खाकान साहब अब्बासी ने गुजरना है, कहना चल अपना सबका वजीर आजम घर ला के बह। ये किधर का है? अरे वार्डन ने इधर उधर 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 इधर उधर मेरी बात ना बात रोते नहीं होते ऊपर ही है। ओह देख किसकी कॉल आ रही है मेरी मीटिंग। हेलो जी, बस मैं आ रहा हूं, ये बस रास्ते में अब लड़ाई हो गई, बंदा है टिका दिया उसको ठीक ठाक, बस ये मैं हैंडल कर गया। बहुत आदमी फिक्र ना करे, दूर हो आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मैं बस ताड़ी नौकरी छड़ के चला, झूठ तुसी बोलदे जे पै मेरे ते जांदा। मेरे देखो दिल छोड़ा नहीं करदा। बड़ 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 एडा लम्मा एक सिपाही केपी की दा मेरे हल वधे है, उन्ने मनु हाथ भी नहीं लाया, एडा चंगा सी। ये कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, हम सारी फोर्स ही कहते हैं। पहाड़ी तो ले जाके धक्का देंदा हजे ते तन्ने मैं अपने गोडे नहीं वाए। मैं क्या कर रहा, खातून बैठी हो नहीं है? देखो देखो बड़े बड़े बड़े। अच्छा एक तो तुझे पुलिस वालों ने मारा, तू उन्होंने को बताया साबिक बोमा मियां शाह खान बासी ने भेजा है, उन्होंने तुझे होर मारा। मैं दसिया जी मैं साबिक उड़ों पिए, मुझे नहीं समझ आई, तो उसको कैसे समझ आई होगी? ये सुन के चार मियां वाली देड़े डे लंबे सिपाही डांगा लेके मेरे हल वधे ने। मैं क्या कुछ ख्याल करो तुझी चिराग बाली पढ़ ले, फिर उन्होंने मुझे डांगा नाल नहीं मारिया। देखो ना ये मैं कहता हूं कुछ डेड़े हाथ सार चंडा मारी है। मीठी दुबान होती है, वो जुगत ज्यादा करते हैं, हंसना खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। अब वो फैसलाबाद वाला ना आता तो इसलिए हम तक पहुंचना भी नहीं था, ऐसा ही है ना? मेरे अल वदिया दी अखा च मैं तरस नजर आया है, वो है उनका अंदाज है। चार चित्र मार के कहना बीरिया जूस पीना के ठंडा पानी लैके आवा। मैं क्या पानी लैके आ? कहना मैं तेरे प्यो का नौकर लगा होया। फिर कुटिया तुझे मारते ही रहे हैं। नहीं जी उन्होंने मैं साह भी दवाया है। सर इसका ट्वीट कैसे एडिट करना है? मैं तो ये सोच रहा हूं ट्वीट को छोड़ दूं, उनका वार्डन का ट्वीट पढ़ देख। पीछे पीछे यार ज़ेब्रा क्रॉसिंग दो ते तेरा टायर मोटरसाइकिल
ਬੇੜਾ ਤਰਜ ਮੈਂ ਖਪਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬੈਲਟ ਲਵਾ ਦੇਗਾ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਕਹਿ ਗਿਆ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਵਿਰਾਦ ਤੂੰ ਇਸਕੋ ਮਾਰ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਨੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਓਏ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਰੀਅਰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਟਾਇਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਘਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆਵੋ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਅਮੀਰ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ ਹੁਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ अब हसीन तो तुम हो भाई अब ये ऊपर वाले ने तुम्हें खूबसूरत बनाया है सर जी सलाम जी वालेकुम सलाम मैं अभी इनको यही कह रहा था कि आपको बड़ा मिस कर रहे हैं हम बड़ी मदद करते हैं आपके साथ बड़ा प्यार करते हैं हम आपके साथ थैंक यू वेरी मच जनाब ये थोड़ी बड़ी मेहरबानी है कि तुसी प्यार कर रहे हो शुक्र है तुसी आ गए जी हुन मन्नू भी इंसाफ मिलेगा अच्छा इंसाफ मिलता अब आ जाना जनाब जनाब जी जी बैठिए सर बैठिए सर ट्वीट कर दो ट्वीट कर दो अरे गवर्नर साहब मैं बड़ा आप पर रश करता हूँ आपके नसीबों पर रश करता हूँ और शुक्र भी अदा करता हूँ कि आपकी पैदाइश पार्टीशन के बाद हुई वरना पहले अगर होती तो जितनी दोस्तियाँ आपकी बरतानिया में हैं गुरों के साथ हैं मुझे तो यकीन है सेकंड गवर्नर ऑफ पाकिस्तान आप नहीं होना था सर जानकी मान पाऊँ तो एक अर्ज करूँ वो गाड़ी के टोकन आपने पूरे करवा लिए थे टोकन हमेशा पूरे रहते हैं नहीं नहीं आपके नहीं वो गाड़ी के मैं पूछ रहा हूँ वो नहीं, गाड़ी के भी टोकन पूरे वरना साहब मैं बड़ा ये क्या है गिदड़ सिंह जी आप बात देखे ना बरतानिया में भी आप इकतदार में नवाज शरीफ नाल भी इकतदार पीडीआई भी इकतदार माशाल्लाह नहीं मुबारक आपके घर गवर्नर पैदा हुए सात चौधरी साहब भी हैं अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मेरी एक तस्वीर बना देंगी सर मैं आपके साथ फोटो बनवा लूं बिल्कुल बनवा लूं बड़ी मेहरबानी सर नहीं बैठ के ना बने ऐसे हाँ बैठ नहीं सर मैं अच्छा। चाहना मैं घूमत गिटिया च बैठा सर वो गिटिया गोडिया च नहीं है सिर्फ ताडे गिटिया च ताडे भी नहीं सर वो मेरा मतलब फोटो लवान वास्ते गिटिया च बैठा सर एज अल्लाह सर पैर इतने रखना लगेगा घरेलू जिया छेद मैं इनके सोशल मीडिया हेड हूँ आपके नहीं सर इतने पैर रख दोगे मेरी तरक्की हो जाएगी कड़ी जगह जिथे गोडे दे या मोढ़िया ते पैर रख के तरक्की होंगी है सर देखो ना कि एक दूजे के मोढ़े ते पैर रख के ही बंदा तरक्की करता है वैसे भी ताड़ी पार्टी च बड़िया मसाला ने सर सर इन्हां दीआं ते खेडां होंदीआं रहणीआं मैनूं सट्टां लगीआं कहो ते ताड़ी गड्डी च बह के पट्टियां करा लिओ इजाजत होवे ते मैं इत्थे बह जां सर बिल्कुल बह जाओ सर चलो तुहाडे कोल कोई डरन वाली गल तुसीं कहिंदे डॉक्टर फरदोस वान ये आपने तो कहा था हम गवर्नर हाउस आवाम के लिए खोल देंगे ईद आती है तो आप बंद करवा देते हैं गवर्नर हाउस नहीं गवर्नर हाउस आवाम के लिए खोल दिया था बट कोविड 19 के SOPs हैं और हमें उन SOPs को फॉलो करना है नहीं तो जो आपको खुशी में प्यार से अगर गोश्त देना चाहे ईद पर तो वो क्या करेगा दीवार से गोश्त फेंकेगा अंदर वो तो फिर आधा मिलेगा आपको नहीं मेरा ख्याल है कि गोश्त जो है मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि गरीब लोगों तक पहुँचाए सर सर मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि अज मौका मिले तुहाडा मुलाकात का सर साल दे विच घटो घट मेरा को 8 वारी तबादला होया जनाब इन्ना तो डैन पिंड नहीं फिरदी जिन्ना मैनू फरान दे ने जनाब कोई नहीं नौवां भी करवा दिंदे आ जे तुहाडी इस गल सर नौवीं तो याद आया बीवी मेरी मैनू ते हुण ना तो बुलांदी नहीं वो बल्कि मैनू कहंदी इधर आवे फेरू किधर फिरी जान ले तो गौरव साहब अपने दिल से पूछें क्या आपका दिल मुतमईन है क्या ये फैसला आपका ठीक था नून लीग को छोड़ना और पीडीआई में जाना अब आपको मजा आ रहा है गल्ले ना दी देखो जेब चल लाइसेंस देख लो तो नहीं हो यार तू गड्डी दे लाइसेंस दी गल कर रहा है ओना को ते जहाज उड़ाने दा भी लाइसेंस हैगा ये ना सारे को लाइसेंस ने शहद दी बोतलों तक दे लाइसेंस बने हर चीज पे यूटर्न ले रही है आपकी पार्टी थोड़ी अड्डी गल्लां दी समझ आंदी है अद्धियां तो हवा च ही उड़ जांदी गुरु साहब ये देखें मोनोसलाई मुझे बताएं आप क्या आपने खुशी से मोनोसलाई को गुजारा दी है यही गल दी तो समझ आ जाए ना तो मसले कई हल हो जाए कि केड़ा सवाल किनू पूछूं
नहीं तो आप माने ना, ये बात माने ना, ये तो सबको पता है कि बुलावा नहीं देना चाहते थे मोनो सलाई को बदौलत, वो कह रहे थे कोई और ले आए, कोई और ले आए। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ी सारियाँ क्या सराइया ही ने। नहीं तो फिर एक और क्या सराई भी है कि आप कश्मीर में अगर आपकी खुदा न खासा जीत हो गई तो फिर आप वजीर आजम आजाद कश्मीर आप किसी इस्लामाबाद के बंदे को लगाना चाह रहे हैं। जो वहाँ पर पार्लिमानी पार्टी है वो डिसाइड करेगी कि वजीर आजम कौन होना है। चलो मैं बताता हूँ, आप इस्लामाबाद के एक बड़े अमीर कबीर खानदान को ला रहे हैं वजारत उज़्मा के लिए। जब इलेक्शन होगा और अगर हमारी असम्बली में अक्सरियत होगी तो हमारे जो असम्बली मेम्बर हैं जिसको चाहेंगे उसको वजीर आजम बनाएंगे। अच्छा ये बता दें, मखलूत हुकूमत बन सकती है आपकी और हमारी? ये तुसी दसो। आपकी तरफ से कोई इतराज नहीं है, हमारी तरफ से इतराज है। तो आप तो हमारे साथ बैठना भी नहीं चाहते। हम कहते हैं कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात करें, हम कहते हैं बात करने के लिए हमारे साथ तैयार नहीं। अगर बात करने के लिए तैयार नहीं तो मखलूक हुकूमत आप कैसे बनाएंगे हमारे? तो हम आपके साथ बैठते हैं, फिर आप बाद में मीडिया को कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, उसका फिर हम क्या करें? नहीं एनओआर तो थानू एवं ही बस वहम होया। छोटी मोटी एडजस्टमेंट कर लेते हैं जैसे हमने सेनेट में की थी ना पंजाब में, ऐसी कर लेते हैं। नहीं पंजाब में तो अच्छा फैसला किया कि जितना किसी का हक बनता था उसको हक मिल गया उसका। सर जो प्रोटोकॉल लगता है ना तो सानू ट्रैफिक ब्लॉक करनी पैंदी है, तो जो मुसाफिर ने ना सानू बड़ियां गल, मेरा मतलब है कि गल्लां कर दे। पहले तो मैं दसो कि केड़े शहर तो हो तुसीं? मरी जनाब पोस्टिंग है जिन्हां दी वजह करके लेट होए ने सर। नहीं मरी में तो प्रोटोकॉल ना चीफ मिनिस्टर वहाँ होता है ना गवर्नर वहाँ होता है, तो वहाँ कहीं कहाँ काम कर रहे हैं आप? तो फिर मैं ट्रैफिक की ऐसे तो को आई है कि वार्डन चौक जो कपड़े बदल रहे सर। बड़े बड़े मुसीबतें आई खड़े वक्त आए। ओ मेरा दोस्त आ गया। हम नहीं घबराए, ये प्रोटोकॉल हमें क्या डराएंगे। मौलाना दोस्त वेलकम, आप भी कश्मीर चल रहे हैं? हाँ काका, एक मील सफर करके आ रहा हूँ दूर से, गाड़ी पीछे खड़ी है। ये प्रोटोकॉल ये हमें डरा नहीं सकते, ये हमारे हमें हमारी मंजिलों से बहकाने की डाइवर्ट करने की कोशिश है, ये कामयाब नहीं होगी। सर एक ताड़ा बंदा सी यूसुफ, वो भी आजाद खलोता है, तो उसी कश्मीर की लैन चल रहे बदबीर आदमी, वो पता नहीं है इतना बड़े वो लीडर है कश्मीर कमेटी के ताहयात चेयरमैन है ये। और हम ये सियासत किसी ओहदे के लिए नहीं करते, सियासत हमारा इश्क है, जहाँ सियासत होगी वहाँ मौलाना होंगे। जी बोलो अपने पर बड़े मौला, हैव अ सीट प्लीज। जी शुक्रिया। बस अभी ट्रैफिक क्लियर होती है गड्ढी चलते हैं। सरवर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है आप खैरियत से हैं जी। ये बड़ी खुशी हुई आपके आने की, आपसे मुलाकात हो गई। गवर्नर साहब बोतल लेके आए ने, पढ़ के इन्होंने वापस कर दिया। ओ भाई मैं क्या बात करता हूं। आपका जो असर रसूख था ये इस पे मुस्लिम लीग पे और पीपल्स पार्टी पे, वो क्यों नहीं जादू चला आपका, क्यों इतनी जल्दी टूट फूट का शिकार हो गया आपका जादू? तोबा 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 तोबा, हम जादू पर यकीन नहीं रखते, हम कतन जादू पर यकीन रखते। देखिए अब आपकी सियासी मजबूरी है, आपको जादू पर यकीन रखना पड़ रहा है। सब देखो कालियां सीढ़ियां मार के सुटना कोई जादू होता है? सारे मफरूज़े घड़े ने तुसी लोकां ने बस। नहीं नहीं असी नहीं सर, दुनिया करती फिरदी है, देखो ना मेरे इर्द गिर्द, मेरी बुढ़ी ने मेरे ते तवीज़ पाते ने, मैं बांदर नाल 3 घंटे नचदा रहा हूं और वो भी शिखर दोपहरे धुप्पे। गवर्नर साहब मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि आने वाला वक्त जो है सियासत का वो करवट ले रहा है, हमारा गुमान कहता है कि हमारी हुकूमत आने वाली है, तो अब हमारी पार्टी ज्वाइन करना पसंद फरमाएंगे? देखें आप पहले तो ये कहते थे कि हमारे इस्तीफे आ रहे हैं और पिछले साल आप फरमा रहे थे और आपने बड़ा धरना भी दिया था, और आपको ये भी मालूम है कि पंजाब में हर जगह हमने आपको पूरे प्रोटोकॉल के साथ रुख्सत किया, तो हम तो आपके साथ पूरा मौलाना साहब तावन करते हैं। कब ताडा सी ना माशाल्लाह, बड़ी सबर दी खुशबू आ रही सर। बड़ी मोहब्बत है तो जी सर माशाल्लाह, नहीं अलग जी पौंड भी मिक्स है। हाँ भाई घर ही है, क्या क्या होया? बाहर बच्चे भी कारी ने। हाँ जी घर है। अस्सलाम वालेकुम, किया बासी साहब की हाल चाल ने? बासी साहब, बासी साहब, बासी साहब नहीं। मुरे मुरे वैगन बाज गई है, ठीक हूँ। मैंने पहचाने आज? नहीं आपको नहीं पहचाना। अच्छा अच्छा बूटा थोड़ी ओए ओ थोड़ी आसे गल दी समझ नहीं आंदी। आ पिछली गली चो आया? इस तरह गया ना पिछली गली से आ रहा हूं। एदी खंग च जेड़ी डैश होंदी ना वो जान कढ़दी। बड़ी सोहनी सलवार, सलवार
माया लगी माया शर्मा क्या शलवार कमीज लग रही है शलवार कमीज लग रही है तो शलवार कमीज तो थोड़ी लगती है ना एहो जे एंड दे भी कह देंदा पहुंची तो पांटी ये सवाल है ओ मैं सदके जावा मैं होना और रहवा तो सदके जावा जीरे ते गवर्नर साहब चल के आए ने सलाम अलैकुम छवि साहब वालेकुम की हाल मैंने पहचाने आ जे बूटा नहीं पहचाने माथी मारी गई आटा महंगा क्यों महंगा पेट्रोल महंगा हो गया चीनी दा नाम तेरा प्यो लेगा ओ भी ले और ते और मेरी इलाज मुफ्त होएगा ते बूटा जी खुशी करो इस गल दी मेहरबानी अच्छा ये झूठ बोल रहा है आपका सेहत कार्ड जो है किसी अस्पताल में चलते हैं किस अस्पताल में चलते हैं पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ हमने हेल्थ कार्ड दिए हैं हर जगह चल रहे हैं ये सारी बातें कागजों में नजर आती है सेहत कार्ड है ये मकानात है ये नौकरियां हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं अच्छा सर जड़ी मेनू बीमारी है ना उदा ते कार्ड भी इलाज नहीं गा जना थानू ज्यादा बोलन दी बीमारी है उदा कोई इलाज नहीं है दरअसल मेनू ना बीवी दे रूप च बीमारी मिली है ओदियां फरमाइशां पूरियां करन वास्ते कोई नगद कार्ड मिल जाए वैसे मेरे ख्याल में बीवी को बीमारी कहना खुद बहुत बड़ी बीमारी है जो यहाँ बहुत आम है हाँ अगर बीवी नाजायज मुतालबात कर रही हो तो ये अच्छी बात नहीं है मैं वार्डन ना मैं गड्डियां कढ़ांदा जरूर हां बेचदा नहीं अगर लगता है इसकी बीवी बड़ी डिमांडिंग है इसी वजह से बेचारा बहुत डिप्रेस है मेरी तनखा च तो मेकअप का खर्चा पूरा नहीं हुंदा सर तो तूने तो कहा तेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है उसे मेकअप की क्या जरूरत है सर औरत जिन्नी मर्जी खूबसूरत होवे पर उनु लगता है कि कुछ कमी रह गई अच्छा तो फिर खर्चा कैसे पूरा हो रहा है खर्चा ही तो नहीं पूरा हुंदा तदी तो नाराज होके मेके चले जांदी छोरी साहब जी साड़ी भैन है अज तक घर च जो भी थोड़ी लड़ाई हुई है तो सब तो पहले किन्ने मंगी है क्या सोटी माफी माफी ये साढ़े पिंड बूटा नाई सी जी ते साड़ी रोज हजामत करना आंदा सी इनू नहीं पता भी साढ़े घर च कदी लड़ाई हुंदी सी कि नहीं हुंदी सी ये ठीक कह रहे हो नाई वाली गल दसनी कोई की जरूरी सी अच्छा ही बोल लिया कोई टक लगेगा तेरे को गवर्नर साहब सारा दिन आप गवर्नर रहते हैं तो थक नहीं जाते आपका दिल नहीं करता कि वो अपने सिक्योरिटी वाले से कहें यार मोटरसाइकिल दे दे मैं विलिया मार के आऊं मार रोड पे बैंग, बैंग। बड़ा ही मेरा दिल करता है और सच्ची गल दसा अगर मैं किसी चीज नू मिस करदा है अपनी आजादी नू मिस करदा वाह और मैं यकीन करो आई लव इट कि मैं कल्ला किसी कॉफी ते बैठा होवां गप्पा मार रहा होवां कोई पुलिस वाला नेड़े तेड़े ना होवे ई जड़ा मजा ना किसी और चीज गवर्नर साहब जी किस सियासी दोस्त ने तेजी से सीखा बुजदार साहब या जरताज गुल साहिबा मेरा ख्याल है दोनों बहुत अच्छे लर्नर भी हैं और समझदार भी हैं लेकिन सर जरताज गुल साहिबा तो अभी भी समझती हैं कि मौसम खान साहब की मुस्कुराहट से बदलते हैं अच्छा नहीं आपकी मुस्कुराहट भी अच्छी है उन चंगे दे जो इस सामने चौक चलान करता था सॉरी साहब मैं बीमारियां दे विच बड़ा किरिया होया थोड़े जे मैनू पैसे दे ताकि मैं नवा पाकिस्तान मैं खुशा ले लूंगा इलाज ऑपरेशन फिफड़े नवे पवा लूंगा डॉक्टर नहीं होए अपना नवा व्याह कर लवा व्याह करा ले मेरी दी जगह तेनू ऑक्सीजन लगा ए गल सुन वाली है कि 80 साल दी उम्र च छोटे छोटे बच्चे ने मुझे एक बात बताएं आपने अफ्रीकन ग्रे तोता भी रखा हुआ ना तुसी कार के दो मेरे टूरे फिरते रहे हो ये जी मौलाना साहब मैं आपकी बात तो बहुत गौर से सुनूंगा अच्छा मैं बहुत काबिले एहतराम है हमारे मुख्तसर बात करेंगे हम देखिए घी महंगा हुआ दालें महंगी हुई दवाइयां महंगी हुई खाद महंगी स्प्रे महंगी मैं किस 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 का नाम लूं आपको कभी नहीं ख्याल आया कि ये चीजें आपकी हुकूमत के लिए खतरे का बायस हो सकती हैं
नहीं खतरे के बाद जी चीज की साड़ ली होगी तो खुश होंगे हो। हम तो आपके फायदे की बात करते हैं। लोग वाकई महंगाई की वजह से परेशान हैं और हमारी कोशिश है कि महंगाई को पूरे तरीके से कंट्रोल करें ताकि गरीब आदमी जो है अपनी जिंदगी बेसिक नीड जो है वो अपनी पूरी कर सके। साहब खान साहब के ज्यादा करीब कौन है, शाह महमूद कुरैशी या असद उमर? ये मौलाना साहब से पूछ रहे हैं। नहीं सर, मेरा मतलब है कि खान साहब किसकी बातों में जल्दी आ जाते हैं? खान साहब किसी की बातों में नहीं आते, बातें सुनते हैं फिर फैसला खुद करते हैं। खान साहब अगर बातों में आने वाले होते तो चौधरी साहब वजीरे आला ना होते। चौधरी साहब की मुस्कुराहट, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो चौधरी साहब? गवर्नर साहब सुना है पिछले दिनों आप अमेरिका गए हुए थे और आपने कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर प्रोविंस कह दिए। जी मैं अमेरिका में गया था कि जो कैलिफोर्निया की असेंबली है उन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया है कि पंजाब को स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया के साथ सिस्टर प्रोविंस जो है वो बना दिया जाए और उसके साथ साथ ही वहाँ की जो दुनिया की जो बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके साथ भी हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साथ। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा। चौधरी साहब जिन्ने प्रोजेक्ट बना रहे होना च गोडे तरती भी दवाई जरूर बनाया। अच्छा चौधरी साहब तुहानू ख्वाब देखे तो कम अज कम 3 साल हो गए होंगे। नहीं मैनू उदों भावें 3 साल हो ये ना होए हो लेकिन हूँ तू जरूर ख्वाब च डरा बन के आए। मैं तो कह रहा माशाल्लाह जिन्नी तुहाडी वर्किंग है तुसीं सोंदे किहड़े वेले? नींद जो है पहले तो बहुत कम थी, अब थोड़ा सा अब ज्यादा उम्र गवर्नर बनने के बाद आप काफी नींद पूरी करते हैं आप। ये पर आपका किसको मिलने का दिल चाहा, खान साहब ने बुलाया आपको? नहीं खान साहब ने तो नहीं बुलाया लेकिन ईद जो है हमने मियाँ बीवी ने यहाँ जो हमारे स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनके साथ गुजारी, क्योंकि मेरे बच्चे अपने इधर नहीं हैं तो ये बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह हैं। इम्तियाज़ मेरी बीवी, तुम मुझे मनाने तक नहीं आए, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मैं मनान आना सी, मैं सिर्फ चोइस साहब को ना बीवी मनान के तरीके पूछ रहे हैं। दो रह गए ने, मैं पूछ लूंगा तो मैं आ रहे। ये तुम्हारी बीवी है? हाँ जी। तो और कैमरे की सफाई भी नहीं, सही से बताओ, फूल बात नहीं करेंगे, तुम्हारी बेगम है? हाँ जी। वेरी गुड, बड़ी 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 बड़ी, मैं तो समझ रहा था तुम छड़े आदमी हो। ये तेरी बीवी है? हाँ जी। ये तो मरी रोड दे तोते रहा के फाला नहीं काट दी। अब अच्छा सब तुसी कह रहे सुना, ए वो बीमारी जड़ी मेनू लगी खर्चे दी सूरत च, जना थोड़ी जी मेरी तनख्वाह बढ़वा दियो। देखो ना हुण पहली गल ते है जी कि जदों एक बंदा सच ना बोले तो ओदी दूसरी गल ते केड़ा एतबार हो सकदा है कि तुसी उन्हां नूं कहा कि मैं बीवी मनाण दे तरीके सिखणा आ ते तुसी बीवी मनाण दी मेरे नाल गल ही नहीं कीती। ओड़िया अजीदे महंगे तेरी बुढ़ी ने कपड़े पाए ने, तेरे कोल खर्चा पूरा नहीं है। अच्छा चौधरी साहब रूठे सियासतदानों को मनाने का माहिर है, मुसालत के माहिर है, आप बीवियों वाला चक्कर कहां से लेके आ गए यार? वो बेचारी ना, कम अज कम मौलाना साहब ने गलत ठीक की। हाँ मौलाना साहब की हर बात ठीक है। एक महीना हो गया मुझे घर नाराज बैठे और तुम यहाँ गवर्नर साहब के गोडों के साथ लगे बैठे हो। जरा मैं तो बरकत आस्ते बैठा जनाब। नहीं ये तो मेरे गोडियां च बहन आया सी। नहीं बरकत जड़ी है इधरों मैंने मिलनी है। इनसे अगर कुछ लेने है ना तो अपनी तनख्वाह बढ़वाओ। तनख्वाह मैडम इन्हां दी 15% वध गई है लेकिन ये बड़े सियाने ने बीवियों नु सच्ची गल दस दे ने। ओ तो तुसी क्यों दस रहे हो? क्या सुन रहे हो? मैं कह तो ठीक है ना लेकिन ओदे सामने क्यों दस रहे हो सर? गवर्नर साहब इनसे इतनी लंबी लंबी ड्यूटियां गे घर ही नहीं आते हैं। ओ मैडम ये ड्यूटियां दे बहाने लांदे आए, एक पता कर किते होर जांदे होने। ईद के दिन भी तुम और तुम्हारी नौकरी, मैं तंग आ गई हूं इन सब से। ए तो वैसे सही कह रही, ईद वाले दिन भी 11-11 घंटे सर नौकरी करनी पै रही। ये आप देखे, आपका मियाँ एक नंबर का बप्पी का भी है। मैंने जाकर तकरीर करनी थी, मोरा वार यहाँ था, मरी को क्रॉस कर रहा था, मरी मेरा घर है, मैं सारे मोगल हूँ, पाकिस्तान हूँ और नवाज शरीफ का मैं राइट हैंड हूँ और इसको मैंने भेजा जाकर देखो सारे ब्लॉक भी बढ़ जा रहे हो, उसने इसको फेंट के छोड़ दिया। ये देखे इसके क्या करूँ भाभी, एवं तू ब्याह करा लिया, चंगा भला अपने पिंड तू गलीचे उड़नी। शट अप।
अब क्या कर रही है वो साहब का गवर्नर आजम ने? गवर्नर साहब आप ही बताएं, घर का ना आटा ना दाल कुछ पूरा नहीं हो रहा। आटा चीनी दाल तेरा पूरा नहीं होंगे, मेकअप तू इंज कीता जिवें मिस्र दे बाजार चो तू गिटारां बेचनी। महंगाई और इसके घर ना आने की वजह से मैं एंजाइटी का शिकार हो गई हूँ, मेरा सर चकराने लग जाता है। जानू ठीक है ना? बिल्कुल बहुत अच्छा। नहीं को देख लो वो कोई बस अच्छा जा रहे हैं। अच्छा जानू मेरे कहने के भी जो सब मुंह उधर कर लेंदी और तुसी कह के देखो। नहीं मेरा ख्याल है वो साढ़े साबक वजीरे आजम बैठे ने उन्होंने गल करना चाहती है। कड़ा वजीरे आजम ओ कुगू कोड़ा ने अपने बेगम वो तमीज से कहो जर मैं ना वजीरे आला साहब दे माता है था केरा वजीरे आला ओ मिट्टी दा माधु मैं ते कदी नहीं वेखिया ओनू। जानू तू मेनू नहीं वेखिया ओनू किथे वेख लेना। अच्छा भाभी गुस्से ना भी वेखे ते इंजी लगदा जिवें कहण लगी है तेनू मैं किथे मिली। गवर्नर साहब कौन ज्यादा दिल फेंक है, फवाद चौधरी या शेख रशीद? उफ देखते हैं यार गवर्नर साहब कितने सच्चे हैं। शेख रशीद। गवर्नर साहब कौन ज्यादा जज्बाती है, इमरान खान या नवाज शरीफ? कोई नहीं ऑप्शन तो आंदी नहीं है जिंदगी। अगर गवर्नर साहब तुम्हारे स्केल का कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ क्या कर रहे हो? चलो फिर। मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। मैं खेड़ी उतार के मुंह पे मारनी है, चलो घर। अजे सदरां दे फुल खेड़ दे नहीं तो खेड़ी पहले ला लेंदी। चलो कर क्या नखरा क्या मैनू घर ले जाना या स्कूल छड़न चली है? अलविदा दोस्त, मे गॉड ब्लेस यू।